दिसंबर का महीना, 8 को शादी, 15 को ड्यूटी पर वापसी, 23 की रात को शहीद, 25 को जन्मदिन और 26 को अंतिम विदाई। ये तारीखें शहीद सौरभ कटारा से संबंधित हैं, जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमले में शहीद हो गए। राजस्थान के भरतपुर के बरौली ब्राह्मण में गुरुवार सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद सौरभ कटारा को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग उमड़े। उनकी शव यात्रा कई किलोमीटर लंबी थी। रो रो कर घर वालों का बुरा हाल था। 16 दिन पहले सौरभ कटारा के साथ शादी के बंधन में बंधी पूनम देवी ने शहीद पति के पार्थिव देह को कंधा दिया और एक आखिरी सैल्यूट किया। सौरभ की शादी पूनम के साथ 8 दिसंबर को ही हुई थी। 15 दिसंबर को वो वापस ड्यूटी के लिए कुपवाड़ा गया था। 25 दिसंबर को सौरभ का जन्मदिन था। पति को जन्मदिन का सरप्राइज देने के लिए पत्नी एक दिन पहले ही मायके से ससुराल आई थी और इसी दौरान सौरभ के शहीद होने की खबर आ गई। सौरभ के पिता ने कहा कि बेटे की शहादत पर गर्व है। सौरभ के छोटे भाई को भी फौज में ही भेजूंगा। न्यूज डेस्क।